से हम लोग कह रहे हैं कि नेशनल टीम जो है पूरी आई पी प्रेसिडेंट पहले पेडिकॉन में सम्मिलित हुए और आज हम लोग ने अपने तरफ से जो मेजर्स वगैरह कैंपेन है 26 नवंबर से पूरे देश में शुरू हो रहा है उसमें आई पी प्रेसिडेंट की तरफ से सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं और आई पी के मेम्बर्स हैं सभी लोगों को कहा गया है कि हम आर कैंपेन को पूरी सपोर्ट करते हैं और सभी लोगों ने इसके ऊपर एक्सेप्टेंसी किया है और दे ऑल रियली सपोर्टिंग द एम आर कैंपेन और जो भी बच्चे 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चे goes into the sleep without having any headache, normal dinner, goes into sleep, and then at 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, he comes out and he says about the headache part, immediately he requires imaging, and hospital location of the headache, as I said to you in the first time. अगर बच्चों का कैंसर ऐसे तो साधारण नहीं है, कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर हमारे पास 100 बच्चे कैंसर के आएंगे तो उसमें लगभग 50 ब्लड का कैंसर, बाकी अन्य कैंसर दूसरा 50% बना। सबसे ज्यादा फैलने वाला ब्लड कैंसर ही होता है, बच्चों में ब्लड कैंसर सबसे कॉमन कैंसर। और 26 नवंबर से उत्तर प्रदेश सरकार एक टीकाकरण का कैंपेन लॉन्च कर रही है, जो है एक टीका है MR यानी कि मीजल्स रूबेला। दो बीमारियां हैं खसरा और रूबेला, जिसके अगेंस्ट ये टीका काम करता है और इसका पूरा एक कैंपेन हो रहा है जिसके अंदर 9 महीने से 15 वर्ष तक के हर बच्चे को ये टीके की अतिरिक्त डोज लगाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे को प्राइवेट में कहीं ये टीका पहले भी लगा हो तो भी इस कैंपेन के दौरान ज़रूर इस टीके को लगवाएं। और इसमें 2 हफ्ते पहले हर स्कूल में ये कैंपेन चलाया जाएगा, हर स्कूल में टीमें आकर के टीका लगाएंगी और उसके बाद 2 हफ्ते कम्युनिटी में टीकाकरण सत्र लगाएंगे।